बताओ जी, भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और दान से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार है। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वो निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। समरसता विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ, कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो माँ कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी की तिथि में, जब पूर्व अवतार का दिन आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। हरा धाम अयोध्या धाम सरयू सब कुछ प्रसन्न आनंदित उल्लसित और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुँचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म संप्रदाय मत पंथ सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है,